हेलो एंड वेलकम क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट इन आवर केमिस्ट्री सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलैरिटी एंड मेनी मोर। लेट्स बिगन विद द रेट लॉ। हे गाइस, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, in which nature of reactant, concentration of reactant, temperature, presence of catalyst, surface area of the reactants, radiations, pressure in case of gaseous reactions, and today we are going to discuss about the rate law. तो rate law क्या होता है guys? चला हम इसको ध्यान से समझेंगे कि rate law क्या है, ये हमारे chemistry में क्या important, kinetics में क्या important रखता है, इसको कैसे handle किया जाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं आज रेट लॉ। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन एक्सप्रेशन होते हैं जिसको थियोरेटिकली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये जब भी होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, तो कहते हैं कि इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी किसी भी रिएक्शन के रेट को रिएक्शन के कंसंट्रेशन से रिलेट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। जैसे नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ देखिए ए प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट पी बनता है, तो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, कहते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है, ए और बी है, तो ए और बी के कंसंट्रेशन पे पावर एम और एन। ये एम और एन जो है भाई, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ये कोई थियोरेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। एम और एन का वैल्यू क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। तो यहाँ पर्सनैलिटी हटा दिया तो हमने यहाँ पर क्या आ गया, के ए रेस टू द पावर एम, बी रेस टू द पावर एन। यानी जहाँ पर के कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट, ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन अगर वन हो तो मोल पर लीटर, तो उस समय क्या हो जाएगा, रेट जो है हमारा के इक्वल टू ए। दस द रेट कॉन्स्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन वेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द रिएक्शन इज यूनिटी। अब अपने पिछले वीडियो में भी यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जितने भी ये जो कंसंट्रेशन पे आपने देखा था, जैसे वहाँ पर एम एन ये सब है कंसंट्रेशन पे, तो उन सब का जो समेशन होता है वही क्या होता है हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी वन टू थ्री इवन अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फोर्थ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्रोडक्ट बनता है अगर, तो क्या होगा, रेट ये लिख सकते हैं आप। अब यहाँ एम एन पी जो है ये भी एक्सपेरिमेंट से आया है, एम एन पी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू सी। जितना जो पावर है ए पे जी पावर है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए है। ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ये एम प्लस एन प्लस पी ये सबका सम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब जो है नॉर्मल जो रिएक्शन है उसको इसी तरह से हमें समझना पड़ेगा। जैसे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन nth ऑर्डर है तो उस पर पावर n हो गया, ए जो है हमारा प्रोडक्ट p बना रहा है, तो रेट क्या होगा, k ए रेज टू द पावर n। यानी k है रेट अपॉन, अब k कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो ये कंसंट्रेशन डिवाइड में हो जाएगा, यानी रेट अपॉन ये। अब रेट क्या क्या था, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, रेट पहले से पता है हमें, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और फिर क्या हो गया, इनटू वन अपॉन कंसंट्रेशन पर पावर एन। अब देखिए यहाँ भी कंसंट्रेशन, यहाँ भी कंसंट्रेशन, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन कह सकते थे इसे हम, क्या कह सकते थे, एन माइनस वन, लेकिन ये ऊपर चले जाता है तो वन माइनस एन टाइम इनवर्स हो जाता है। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर कैसे हुआ, ठीक है। हाँ एक बार फिर से समझिए कि कोई भी रिएक्टेंट जो है अगर प्रोडक्ट पी बना रहा है ए से, वो क्या जा रहा है, प्रोडक्ट पी बना रहा है आपका, तो यदि आप उसके nth ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है तो nth ऑर्डर रिएक्शन जरा सा एक बार फोकस करेंगे इसमें कि nth ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। हम कहते हैं कोई रिएक्टेंट आर है और यहाँ इससे क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट पी बन रहा है, इसके लिए अगर मुझे रेट लिखना हो तो रेट क्या लिखिएगा आप, इंस्टेंटेनियस ही मान लीजिए लिख रहे हैं आप, तो क्या लिखिएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी ये लिखिएगा। और रेट कांस्टेंट जो है आपने पहले ही जाना है कि रेट लॉ में रेट क्या होता है,
ये तो हमारा आर है भाई, ये आर निकालते हैं, आर इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, यानी आर इंस्टेंटेनियस ये निकाल दिया हमने। और रेट क्या होता है आपका, रेट प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू दी पावर, यहाँ आर है तो आर ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर पहले से है, आर जो हमारा इसमें है, अब हम क्या करते हैं कि चूंकि nth ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ एन लिख देते हैं, ठीक है, या लिख दीजिए 4 nth ऑर्डर रिएक्शन। अब क्या होता है देखिए कि आर इंस्टेंटेनियस हमने ये लिख लिया, रेट हमने ये लिख लिया, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो रेट क्या हो जाता है आपका, के कंसंट्रेशन ऑफ आर रेज टू द पावर एन। अब ये के निकालना है हमें यहां पर, तो के इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, यानी रेट अपॉन आर रेज टू द पावर एन। अब रेट क्या होता है, अभी हमने कहा था ये रेट है हमारा, ये क्या है, रेट है, क्या है, रेट है, और ये जो नीचे था वो क्या था हमारा, रेट लॉ था, समझ रहे हैं आप। तो जब रेट है यहाँ पर तो रेट के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, अगर रेट के जगह पर आप यहाँ ऐसे रख दे कि के इक्वल टू रेट क्या है भाई, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और वर्सेस क्या, आर रेज टू द पावर एन, यानी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम क्या है भाई, टी है इंटू 1/r पे पावर कितना, एन हो गया। अब देखो आर से इसको यदि ऊपर ले जाओगे तो माइनस एन हो जाएगा, इसे ऊपर ले जाओ, आर पे पावर एन को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा भाई, के इक्वल टू, समझिए यहां पे क्या हो जाएगा, टी तो है ही हमारा, तो आर इंटू आर पे पावर माइनस एन इंटू टी पे पावर माइनस वन, ये हो जाएगा। अब देखिए ये 1 है इस पे पावर, ये तो मल्टीप्लाई पे पावर जुट जाता है, तो क्या हो जाएगा, आर पे पावर 1 - n टी इनवर्स, आया समझ में, यही है हमारा nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट k का वैल्यू। अब अगर समझ में आया तो यूनिट क्या होगा, चलिए अब यूनिट को समझते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा भाई nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यह है हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 - n टाइम इनवर्स, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया था ये सब कुछ वैसा ही है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल क्या है भाई, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड, यानी थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, SO2 Cl2, ये SO2 और Cl2 में टूट जाता है, ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ओबे काइनेटिक्स इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स को क्या करेंगे, ओबे करेंगे। यूनिट क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो टाइम इनवर्स, यानी चेंज इन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डज नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ के, यानी कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को कैसे भी कर लो चेंज कर लो, के को अल्टर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप के निकालोगे तो केवल टाइम बचेगा। जरा सा देखते हैं कैसे, आप समझिए जरा, अभी जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही nth ऑर्डर के लिए भी हमने करके देखा था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई रिएक्टेंट आर से प्रोडक्ट पी बनता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, रेट लिखते हैं, रेट क्या हो जाएगा भाई, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, टाइम टी लिया होगा भाई इसने, और रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 1 है कि नहीं, यहां से अगर मैं के निकालूं तो क्या हो जाएगा, फिर अगेन के लिए क्या होता है, रेट अपॉन टाइम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब जब ये वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टी इंटू 1 / कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपका, टाइम इनवर्स। तो ये जो टाइम इनवर्स है यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए केक यूनिट ऑफ काइनेटिक्स है,
सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। जब यूनिट की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स यानी टाइम इनवर्स यूनिट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो गया हमारा, टाइम इनवर्स हो गया। समझ में आ गया होगा अब आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। देयरफॉर यूनिट चेंज कंसंट्रेशन, अब देखिए क्योंकि जब रेट कांस्टेंट हमने इसके लिए निकाला था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहां पर कहीं भी कंसंट्रेशन जैसा टर्म्स यह हमारा नहीं बचा क्योंकि कंसंट्रेशन तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, तो फिर अब हम बात करते हैं टी हाफ। टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/k यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट एनी रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी कोई भी जो रिएक्शन है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के 50% होने में जितना टाइम लेता है वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होगा। तो हम टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन अलग से करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल के बारे में। सेकेंड ऑर्डर कैसे है, जैसे 2HI2KH2+I2 या एसिटिक एसिड एस्टर है, इसका जो रिएक्शन किया सोडियम सॉल्ट और अल्कोहल बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, NO गैस ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके NO2 और ये बन गया। तो इसका यूनिट क्या हो गया, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है जरा देखिए ध्यान से, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, याद रखिएगा यूनिट। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है फिर N2O गैस प्लस O2 गैस 2NO गैस, इस तरह से NO गैस प्लस Br 2NOBr इस तरह के। तो यूनिट फिर यहाँ पर क्या हो गया, लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से जो है आपके ये रेट ऑफ रिएक्शंस के जो बेसिक्स थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बेसिक्स थे, ये हो गए आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है गाइज, इसके बाद एक बात आता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट इन अ सिंगल स्टेप, जो सिंगल स्टेप में हो जाता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। व्हेन अ सीक्वेंस एलिमेंट्री रिएक्शंस गिव द प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर। मोलिक्यूलैरिटी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यानी मॉलिक्यूल एटम आयंस टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन मोस्टली कोलोइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है, आपका मोलिक्यूलैरिटी कहलाता है। तो मोलिक्यूलैरिटी जो है, अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल जो किए हैं उसी को देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर है क्या है कि SOCl2 से रिएक्शन किया तो इसके लिए ये एक ही मॉलिक्यूल है तो मोलिक्यूलैरिटी 1 हो गया। अब इस वाले रिएक्शन में देखिए यहाँ दो मॉलिक्यूल HI रिएक्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगा। यहाँ पर है दो रिएक्शेंट है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो गया। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो गया। तो मॉलिक्यूलैरिटी जो है जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहा है उन सब का जो है सम क्या हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होगा। समझ गए गाइस, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का इन्फॉर्मेशन फिर शेयर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।